Hello and welcome to fourth episode of knee pain relief series. I am Dr. Varun Vasel और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे नी की सबसे कॉमन इंजरी ACL इंजरी के बारे में. ACL का मतलब है एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट और ये नी का सबसे ज़्यादा कॉमन इंजर्ड होने वाला पार्ट है हमारा ACL लिगामेंट और इसका टियर होना बहुत कॉमन होता है और इसीलिए इसके मैं 3 एपिसोड बनाऊंगा. इस एपिसोड में हम देखेंगे ACL लिगामेंट होता क्या है, कहाँ से टियर होता है और उसकी ग्रेड्स ऑफ टियर कौन कौन से होते हैं, क्योंकि ये ग्रेड्स जानना बहुत ज़रूरी होता है. इसी पे हमारा सारा ट्रीटमेंट बेस्ड होता है. ग्रेड 1, 2, 3 इसके कौन से होंगे वो हम इस वीडियो में देखेंगे. और सेकेंड एपिसोड इसका आएगा जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि ग्रेड 1 में जो एक्सरसाइज करनी है यानी कि बिना सर्जरी के जो ट्रीटमेंट होना है उसकी एक्सरसाइज. और उसके बाद थर्ड एपिसोड में आएगा डे वाइज ट्रीटमेंट आएगा कि जैसे किसी ने अगर नी रिप्लेस अपना नी की ACL रिकंस्ट्रक्शन करवाई है, सर्जरी करवाई है, उसके बाद डे वाइज प्रोटोकॉल एक्सरसाइज का क्या होना चाहिए उसके बारे में देखेंगे. तो ये तीनों एपिसोड बहुत ज़्यादा ध्यान से देखने वाले हैं, स्पेशली सभी पेशेंट्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए भी, क्योंकि पेशेंट्स को ये पता होना चाहिए कि कौन से ग्रेड में कौन सा ट्रीटमेंट किया जाता है. तो आइए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए क्योंकि इसमें आपको अब ग्रेडिंग पता लगेगी कि नी के ACL लिगामेंट. सबको पता तो है ACL इंजरी हुई है, ACL इंजरी हुई, सबको ये पता बिल्कुल नहीं होता कि कौन से ग्रेड में कैसा ट्रीटमेंट चाहिए. तो आज आपको इस वीडियो में यही देखने को मिलेगा. तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं. तो चलिए अब देखते हैं कि ACL लिगामेंट होता कहाँ पे है. ये हमारा नी जॉइंट है जो कि ये फीमर बोन है और ये टिबिया बोन है. पटेला के इसमें कोई रोल नहीं होता. अब देखते हैं क्या करते हैं ये. अब ये हमारा जो ACL लिगामेंट है वो होता है ये हमारा एंटीरियर टिबियल स्पाइन जो है यहाँ से शुरू होके. अब ये हमारा देखिए ACL लिगामेंट, इसके दो बैंड्स होते हैं. तो ये एंटीरियर टिबियल स्पाइन यहाँ से शुरू होके पीछे की ओर, ये है हमारा फीमर. अब इस तरह से हम देखते हैं पीछे की ओर ये लेटरल कोंडाइल होता है जो उसको हम बाहर वाला कोंडाइल यानी कि आउटर कोंडाइल. अब पीछे से ये ऊपर की ओर और पीछे की ओर जाता हुआ इस तरह से इस लेटरल कोंडाइल की तरफ इसके मीडियल साइड यानी कि अंदर वाली साइड पे जाके अटैच होता है. तो ये है हमारा ACL लिगामेंट की अटैचमेंट. अब देखिए फिर से देखते हैं इसमें, ये गया हमारा यहाँ से एंटीरियर टिबियल स्पाइन से पोस्टीरियरली और सुपीरियरली. सुपीरियरली मतलब होता है ऊपर की ओर, मतलब यहाँ से ऊपर की ओर जा रहा है फीमर की तरफ, और पोस्टीरियरली मतलब पीछे की ओर, और पीछे जाके अटैच हो जाता है हमारा फीमर के लेटरल कोंडाइल के मीडियल साइड. मीडियल मतलब अंदर वाली साइड. तो इस तरह से इसकी अटैचमेंट होती है ACL लिगामेंट की. अब मैं ये दो बैंड इसलिए पकड़ के बैठा हूँ क्योंकि इसमें ACL लिगामेंट में दो बैंड होते हैं. एक होता है एंटीरियर मीडियल एंटीरो मीडियल बैंड और एक होता है पोस्टीरो लेटरल बैंड. अब दोनों के फंक्शन भी अलग अलग होते हैं. तो अब हमने देखा कि ACL लिगामेंट होता क्या है और कहाँ पे अटैच होता है. अब देखते हैं इसका फंक्शन क्या होता है. ग्रेड जानने से पहले इसका देखते हैं फंक्शन क्या होता है. फंक्शन होता है ACL लिगामेंट का कि जब भी इसने टिबिया, ये मान लीजिए ये टिबिया है, ये फीमर है, टिबिया को ज़्यादा आगे जाने, जब भी ये नी फ्लेक्शन होती है या लैंडिंग होती है तो टिबिया को आगे जाने से रोकता है हमारा ACL लिगामेंट. और कई बार क्या होता है टिबिया की जो इनवर्ड मूवमेंट होती है और वेलगस फोर्स होती है उसको भी रोकता है ये लिगामेंट. और जो नी हमारा हाइपर एक्सटेंशन में यानी कि जब पूरा लैंड करता है या हमने कोई जंपिंग एक्टिविटी की है तो ये नी को प्रोटेक्ट करता है हाइपर एक्सटेंशन से. हाइपर एक्सटेंशन होता है कि फुल जब नी खुल जाता है पूरा और उसमें पूरा वेट आता है तो उसको वो प्रोटेक्ट करता है हमारा ACL लिगामेंट. तो चलिए अब चलते हैं ग्रेड्स की तरफ. अब ग्रेड्स ऑफ ACL टियर क्या होता है. ग्रेड 1 में होता है ये लिगामेंट ओवर स्ट्रेच हो जाता है पर फिर भी ये जॉइंट स्टेबिलिटी देता है क्योंकि ACL का सबसे बड़ा काम होता है जॉइंट, नी जॉइंट को स्टेबल रखना. तो ये फिर भी माइल्ड डैमेज होता है. ओवर स्ट्रेच लिगामेंट्स हुए हैं, हल्का हल्का जगह जगह से उसके फाइबर्स हल्के हल्के टियर हुए हैं पर फिर भी जो लिगामेंट है वो अटैच्ड है और साथ में उसका जो स्टेबिलिटी है नी की वो बनी रहती है. अब सेकेंड ग्रेड 2 में क्या आता है, पार्शियल टियर होता है और जो जॉइंट स्टेबिलिटी होती है वो लूज़ होनी शुरू हो जाती है. पार्शियल टियर क्या होता है, मान लीजिए जो लिगामेंट है वो इस तरह से है और उसके कुछ फाइबर एक तरह से टूट जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं,
उसको हम पार्शियल टियर बोलते हैं। अब पार्शियल टियर में एक तो जॉइंट स्टेबिलिटी लूज हो जाती है और इसमें पेन भी काफ़ी होता है पेशेंट को। ग्रेड थ्री होता है कंप्लीट टियर ऑफ लिगामेंट। इसमें क्या होता है, दोनों पीस जो होते हैं वो बिल्कुल स्प्लिट हो जाते हैं, दो पीस में कन्वर्ट हो जाता है हमारा लिगामेंट, और इसमें जो जॉइंट स्टेबिलिटी होती है वो बिल्कुल लूज हो जाती है। और ग्रेड थ्री सबसे बड़ा जो इसका सर्जरी के लिए ये जाता है तो ग्रेड थ्री होता है, क्योंकि इसमें कभी भी हमें रिकवरी नहीं मिल सकती, क्योंकि दोनों पीस बिल्कुल अलग अलग हैं और उसकी रिकवरी के कोई चांस नहीं है कंजर्वेटिवली, तो इसके लिए सर्जरी मस्ट होती है। तो ग्रेड थ्री के लिए हमेशा हमने देखना होता है कि जॉइंट स्टेबिलिटी ये बिल्कुल लूज कर जाता है, इसमें पेन स्वेलिंग। अब कोई भी लिगामेंट इंजरी होती है उसमें पेन स्वेलिंग, और अगर आपने कोई फील किया हो जब किसी को ACL टियर हो तो उसने पॉपिंग साउंड ज़रूर फील की होगी, जैसे ही उसने नी को नीचे रखा और जब पॉपिंग साउंड आई या कोई भी एक ऐसी क्लिकिंग साउंड आती है जिसमें उसको फील हो जाता है कि मेरा नी बिल्कुल अनस्टेबल हो गया, वो पेशेंट या तो गिर जाता है या उसके बिल्कुल उस अपने नी पे वो वेट नहीं डाल पाता। तो यही हमारा सबसे बड़ा सिम्टम होता है कि जब ACL टियर होता है उसमें बहुत ज़्यादा पेन होती है। हाँ, कुछ केस ऐसे होते हैं जिसमें पेन बिल्कुल नहीं होता पर जॉइंट्स अनस्टेबल बहुत ज़्यादा हो जाता है, जॉइंट स्टेबिलिटी बिल्कुल नहीं रहती। जब भी वो पेशेंट अपना पैर रखता है तो उसका जो बकलिंग होती है, बार बार उसकी बकलिंग होती है, जो नी मिस करता है उसका, तो उसको बकलिंग बोलते हैं। तो ACL में सबसे ज़्यादा हमारी जो स्टेबिलिटी है वही लूज़ होती है। तो अब बात करते हैं हम ग्रेड वन की, कि हमें कैसे पता लगेगा कि ACL टियर हुआ है। तो इसमें ग्रेड वन में मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ग्रेड टू और थ्री में हमेशा हमें MRI की ज़रूरत पड़ती है, फिर भी हमें एक जो फिज़िकल एग्जामिनेशन है वो करना पड़ता है। तो ग्रेड वन से शुरू करते हैं और ग्रेड टू थ्री का जो मैं ट्रीटमेंट पहले बताया था कि मैं आने वाले वीडियोज़ में उसके आने वाले एपिसोड्स में बताऊँगा। तो ग्रेड वन में जब हमारा ओवर स्ट्रेच और माइल्ड डैमेज होता है तो हमने सबसे पहले करना है लैकमैन्स टेस्ट, इसको लैशमैन्स भी बोलते हैं, कुछ लॉकमैन्स भी बोलते हैं, तो लैकमैन्स टेस्ट इसको बोला जाता है। और एक होता है एंटीरियर ड्रॉ टेस्ट। लैकमैन्स टेस्ट जो होता है ये हमेशा थोड़ा ज़्यादा सेंसिटिव टेस्ट है, तो ये ज़्यादा अच्छे से हमें बता सकते हैं हमारा ACL इंजरी के बारे में। एक एंटीरियर ड्रॉ टेस्ट होता है और MRI इसके लिए होती है, क्योंकि एक्सरे में कभी भी लिगामेंट इंजरी हमें नहीं पता लगती, इसके लिए हमें MRI करवाना पड़ता है कि कौन सा ग्रेड है। तो ये हमें इस तरह से हम जज करेंगे कि कैसे हमारा ये जो ग्रेडिंग होगी, ये मैं अभी आपको टेस्ट करके बताता हूँ कि हमने कैसे ये टेस्ट करना होता है, कैसे हमें पता लगा कि ACL टियर है। तो चलिए अब देखते हैं ACL टियर का टेस्ट कैसे करते हैं। इसके दो टेस्ट होंगे, एक लॉकमैन्स टेस्ट और एक होगा हमारा एंटीरियर ड्रॉर टेस्ट। तो चलिए पहले देखते हैं लॉकमैन टेस्ट कैसे करते हैं। अब मान लीजिए जो राइट लेग है ये इंजर्ड है, और इसमें हमने क्या करना होता है, जब भी हमने टेस्ट करना है तो जो साउंड साइड है यानी कि अनअफेक्टेड लेग है, जैसे कि लेफ्ट लेग अनअफेक्टेड है, तो पहले उसका टेस्ट ज़रूर करना है। पर मैं आपको समझाने के लिए इसमें सिर्फ आपको अब राइट लेग का बताऊंगा, क्योंकि राइट ACL मान लीजिए टियर है, तो इसमें क्या करना है, 20-30 degrees नी को फोल्ड करके इस तरह से हमने इसको हैमस्ट्रिंग को कवर अप कर लेना है, यानी कि हैमस्ट्रिंग के इस तरह से इसको प्रोटेक्ट कर लेना है ताकि हैमस्ट्रिंग का एक्शन बिल्कुल ना आए। और इस तरह से देखिए, अब वैसे तो मैंने राइट हैंड से ही इसको लेके आना है पर आपके लिए मैं समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, इस तरह से हमने यहाँ से इसको होल्ड कर लेना है अपने फीमर को और हैमस्ट्रिंग को, पूरी फीमर को हमने होल्ड करके, अब नीचे से आपने टिबिया को ऊपर की ओर खींचना है। अब ये देखिए, ये है हमारा लॉकमैन्स टेस्ट। जब हम टिबिया को इस तरह से ऊपर की ओर खींचेंगे तो मोस्टली जो ACL जो इंटैक्ट होते हैं वो इसको ऊपर आने नहीं देंगे, पर जब हमारा ACL टियर होगा तो यहाँ पे लैक्सिटी होगी, यहाँ पे बहुत हमें से गिव अवे सेंसेशन आएगी, हम जब भी इसको ऊपर करेंगे तो ईजिली ऊपर आ पाएगा। ये देखिए, इनका फिर भी ACL इंटैक्ट है इसलिए ये ऊपर नहीं आएगा, पर जो पेशेंट होगा उसका जो टिबिया है वो आगे को मूव कर जाएगा। तो ये था हमारा लॉकमैन्स टेस्ट। अब आता है एंटीरियर ड्रॉ टेस्ट। एंटीरियर ड्रॉ टेस्ट में इस नी को इस तरह से हमने 90 degrees पे रख लेना है। अब 90 degrees रखने के बाद अब फुट को स्टेबल करने के लिए अब हमने क्या करना है, हैमस्ट्रिंग को फिर से पेशेंट को कहना है उसको रिलैक्स रखे ताकि हैमस्ट्रिंग का कोई एक्शन ना आए, उसको अपोज ना करे। अब यहाँ से हमने इस तरह से ये दो फिंगर्स के साथ जो टिबिया है उसको अपनी तरफ खींचना है इस तरह से। अब फिर से देखिए, पेशेंट हैमस्ट्रिंग को अपना एक्शन उसका लेके आ रहा है पर उसको अवॉइड करवाना है हमने। इस तरह से फिंगर्स पकड़ के यहाँ पे दो जो हमारा टिबियल टिब्रोस्टी है वहाँ पे अपना थंब रख के इसको अपनी तरफ खींचना है, यानी कि ट्रांसलेशन देनी है टिबिया की अपनी तरफ। इससे क्या होगा, अगर तो लिगामेंट ACL लिगामेंट टियर हुआ होगा
वो आपको ग्रेडिंग पता लग जाएगी। वैसे तो वो एमआरआई में ज़रूर करवानी चाहिए, एमआरआई जब आपको एक टेस्ट कंफर्म हो जाए तो एमआरआई इसलिए करवानी ताकि हमें ग्रेड पता लग जाए। अब इस तरह से इसको पकड़ के अपनी तरफ पुल कर लेना है, तो जो ACL टियर होगा वो हमेशा हमें गिव अवे सेंसेशन देगा, यहाँ पे बड़ा लूज़ फील होगा और हमें कोई भी हमें यहाँ पे ओपोजिशन यहाँ की रेजिस्टेंस नहीं फील होगी। तो जैसे ही हम इसको खींचेंगे तो टीबिया आगे की ओर मूव कर जाएगी, हमारी तरफ मूव कर जाएगी, तो ये टेस्ट पॉजिटिव है। तो ये थे हमारे दो टेस्ट। तो जब भी किसी को इंजरी होती है इमीडिएटली हमें कौन सा ट्रीटमेंट देना है, उसके लिए हमेशा इस प्राइस को याद रखना। प्राइस का फुल फॉर्म होता है प्रोटेक्शन। सबसे पहले आती है हमारे प्रोटेक्शन। जैसे किसी को इंजरी हुई, वो गिरा या उसका नी ट्विस्ट किया, क्योंकि ये ट्विस्टिंग इंजरी सबसे ज़्यादा होती है इसमें, तो जब भी नी ट्विस्ट किया तो सबसे पहले उस पार्ट को प्रोटेक्ट कर लीजिए, उसको ज़्यादा मूवमेंट नहीं देनी हमने, क्योंकि और भी ज़्यादा इंजरी होने का चांस बढ़ जाता है जब हम ज़्यादा मूवमेंट करते हैं। तो दूसरा आता है रेस्ट। जब भी ऐसी इंजरी हो कभी भी हमें ज़्यादा वॉकिंग नहीं करना, उस पार्ट को हमेशा रेस्ट पे रखना है। और उस सबसे पहले काम करना है हमने आइसिंग। इन तीनों में से सबसे पहले काम हमने आइसिंग करना है। आइसिंग हमेशा 10 से 12 मिनट तक करें और हर 3-4 घंटे बाद उसको करते जाएं, ताकि जो इन्फ्लेमेशन हुई है उसको कंट्रोल किया जा सके, पेन और स्वेलिंग को कम किया जा सके। तो आइसिंग हमेशा करनी है, कभी भी हीटिंग नहीं देना इमीडिएटली। 48 आवर्स तक तो हमें आइसिंग पक्का करनी ही करनी है। सी से आता है हमारा कंप्रेशन। कोई भी उसको ब्रेस दे दीजिए ताकि उसकी जो नी की इमोबिलाइजर जब हम बोलते हैं नी का, तो उसको नी के प्रोटेक्शन के लिए उसको कंप्रेशन के लिए नी कैप या ब्रेस दे दीजिए, ताकि उसकी नी की मूवमेंट ना हो और इंजरी बढ़े नहीं। और ई का मतलब होता है एलिवेशन, क्योंकि जब स्वेलिंग होगी तो पैर में भी स्वेलिंग जा सकती है अगर ग्रेविटी डिपेंडेंट पोजीशन आती है। तो ऐसे पेशेंट को बैठना नहीं चाहिए, उसको 2 या 3 पिल्लों के ऊपर अपनी लेग रखनी चाहिए ताकि उसको प्रॉपर रेस्ट मिले, उसकी स्वेलिंग कम हो। तो ये जो प्राइस है ये हर लिगामेंट इंजरी पे आपने ये अप्लाई करना ही करना है। इसे हम क्या करते हैं, शुरू में जो ऐसी फर्स्ट एड देने से हमारा जो रिकवरी है वो फास्ट हो जाती है और ये ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स लेके आती है। तो ACL इंजरी के फर्स्ट पार्ट में आपने ACL लिगामेंट को समझा, उसके फंक्शनिंग देखी और उसके ग्रेड देखे इंजरी के कौन कौन से होते हैं, और ग्रेड 1 का फर्स्ट एड ट्रीटमेंट देखा। तो इसी तरह हम आगे आने वाले एपिसोड्स में, यानी कि पार्ट 2 और पार्ट 3 में आपको, जैसे मैंने बताया था ACL के बाकी, जैसे कौन सी रिहेबिलिटेशन करनी है, अगर उसकी सर्जरी हुई तो उसके बाद कौन सी एक्सरसाइज करनी है, तो आगे आने वाले पार्ट्स में हम वो देखेंगे। तो पार्ट बी में अब आप देखेंगे कि हमें कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है अगर ग्रेड 1 और 2 पार्शियल टियर है हमारा ACL इंजरी का, तो उसमें हम कौन सी एक्सरसाइज करके रिकवर कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई डाउट है या आपको कोई क्वेरी है तो नीचे लिखे जो नंबर पे जो फ्लैश हो रहा है उस पे जाके आप हमें फ़ोन कंसल्टेशन कर सकते हैं। इसका एक छोटा सा प्रोसीजर फीस होती है इसकी, इससे आप मेरे से 1-to-1 कंसल्टेशन कर सकते हैं और इसको आपको सारा इसकी जो भी इसकी एक्सरसाइज है वो भेज दी जाती हैं कि कैसे आप इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो इस नंबर पर आप जाके फ़ोन कंसल्टेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और इसके तीनों पार्ट्स ACL इंजरी के ज़रूर देखिए और पार्ट वाइज देखिए, ताकि आपको भी समझ लगे कि कहाँ से ये शुरू हुआ था। क्योंकि मैं हमेशा पार्ट वाइज आपको इसलिए समझाता हूँ ताकि आप शुरू से जान सकें कि होता क्या है, ताकि ग्रेडिंग क्या होती है और कैसे इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और साथ ही साथ हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि इसका नी पेन रिलीफ सीरीज़ का एक भी वीडियो मिस करने वाला बिल्कुल नहीं है। Have a nice day. Take care of yourself.